प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, विकास दुबे, जिसके ऊपर सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या का आरोप है, जिसके पीछे सारी पुलिस जो है वो लगी हुई थी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके से एड़ी चोटी का कैसे भी जोर लगाया जाए, लेकिन इसकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। बता दें कि इससे पहले विकास दुबे के 5 साथी जो है वो एनकाउंटर में मार दिए गए थे, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से विकास दुबे के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि या तो हो सकता है कि उसने सरेंडर किया हो या फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, ये अभी एक पेच बना हुआ है। लेकिन एक बात ये भी है कि सीएम मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने आज सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बारे में सारी जानकारी दे दी है। पुलिस जब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास पहुंची तो वहां पर जब इसकी गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त ये चिल्ला चिल्ला कर वहां पर कह रहा था कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। जी हाँ, जिस विकास दुबे के ऊपर 60 से अधिक मामले चल रहे हैं, उसकी हेकड़ी आप देखिए कि किस तरीके से वो अपने नाम का बखान कर रहा है, उसने कितनी निर्मम हत्या से सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया है। यही एक वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखे तेवर दिखाए थे पुलिस अधिकारियों को। इससे पहले भी उन्होंने इस मीटिंग की थी पुलिस अधिकारियों के साथ, जिसमें ये साफ साफ संकेत उन्होंने दिए थे कि किसी भी तरीके से इसकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए थी। बताया भी जा रहा है कि हर सावन में विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाता था, अब ये बाबा का ही आशीर्वाद कहें या फिर सजा कहें, जिसने 60 से अधिक मामले जिसके ऊपर चल रहे थे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, ये उसी का रिजल्ट कहें कि आज उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हो गई है। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कंट्री साइड न्यूज़। नमस्कार।